अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है भाई Samsung Galaxy A52s और ये है भाई Xiaomi का Xiaomi 11 Lite NE और ये है भाई Realme का Realme GT Master Edition। आज की इस वीडियो में इन तीन मिड प्रीमियम रेंज फोन्स का हम लोग करने जा रहे हैं कैमरा कंपैरिजन। लास्ट नाइट हम लोगों ने मिड रेंज सेगमेंट के तीन नए फोन्स को कंपेयर किया था। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो भाई लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद वो भी देख सकते हो। और अगर आप प्लान कर रहे हो इस रेंज के किसी फोन को बाय करने का जो कि 60 से 70 हज़ार या 80 हज़ार में भी A52s मिलता है, तो आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा फोन जो है कैमरा पर्सपेक्टिव हिसाब से बेटर है। तीनों ही फोन सेम हार्डवेयर में आते हैं, बस कैमरा स्पेसिफिकेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। स्क्रीन पर चल रही होगी कैमरा स्पेसिफिकेशन, आप देख लीजिएगा, बस 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी सेंसर छोटा मिलता है जो कि हमें 11 लाइट एनए में मिलता है, बाकी दोनों में ही 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, रियर पर 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर है। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सा फोन जो है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज है, कलर रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा बेटर प्रोवाइड करता है। और अगर आपको लगता है कि भाई ये वीडियो कहीं भी आपको हेल्पफुल लग रही है और आपकी जो है वो पैसे सेविंग वाली जो है चीज लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है, मजीद इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सो अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तीनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से। जो Realme GT है ना, यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलता है फ्रंट साइड पर मैक्सिमम 1080p 30fps। उसके अलावा जो हमारा 11 लाइट NE है, यहाँ पर हमें 1080p 60fps भी मिलता है। और A52s में भाई सब कुछ मिल जाता है, मतलब 4K 30fps भी मिलता है, 1080p 60fps मिलता है। इस टाइम स्टेबलाइजेशन मोड मैंने ऑन किए हुए, GT में भी मिलता है बकायदा, जो है वो हमें 11 लाइट NE में भी मिल जाता है, A52s के फ्रंट साइड पर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर स्टेबलाइजेशन को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो है फ़ोन वो ज़्यादा स्टेबल इमेज प्रोवाइड करता है और यहाँ कौन सा फ़ोन जो है वो बेटर जो है वो कलर टोन जो है प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द सनलाइट। एक्सपोजर कौन सा फ़ोन सेटल आउट करता है, मुझे थोड़ा सा फ्लिकरिंग नज़र आई है Realme GT मास्टर एडिशन पर। और फ्रेम्स, फिर सनलाइट आ गई। अब हम भाग के देखते हैं कि स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन में बेटर देखने को मिलती है। तो यहाँ कुछ इस तरह की स्टेबलाइजेशन है और डायनामिक रेंज का भी आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा क्रॉप सेंसर हो जाता है Xiaomi का फ़ोन और A52s काफ़ी हद तक नेचुरल टोन प्रोवाइड कर रहा है। 1080p 60fps दो फोन में मिलता है, तो 30fps एक भी नहीं मिलता, तो हम लोग 1080p 60fps चेक करने वाले नहीं हैं, बस हम 30fps चेक करेंगे। और यहाँ मुझे लग रहा है कि जो Realme का जो कलर है थोड़ा बहुत एक्सपोजर में स्ट्रगल करता है कंपैरेटिवली बोथ ऑफ दिस फोन, लेकिन ओवरऑल आपको कौन सा बेटर लग रहा है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो भाई हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को 1080p 60fps की डिटेल इन दो फोन में दिखा दें जो कि है A52s और 11 Lite NE। लेकिन GT Master Edition में अगर हमें नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, वहाँ पर बुके वीडियो मिल जाती है भाई। बुके वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p 30fps पर GT ME में और 1080p 60fps और 1080p 60fps A52s वगैरह में यूज़ हो रही है। फ्रेम्स का अंदाज़ा लेंगे थोड़ा सा, मुझे ना ये जो ब्राइटर लग रहा है 11 Lite NE में, वहीं नेचुरल टोन प्रोवाइड और जो स्किन टोन है हमें कुछ जो बेटर देखने को मिल रही है A52s में। इसी तरीके से बुके का जो है अंदाजा लेते हैं, अभी ऐसे ऑब्जेक्ट जो पीछे आता है तो बुके भी हमें जो है वो Realme GT ME में ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। वरल आपको कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है इन कंडीशंस में डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे 4K भी मिलता है फ्रंट साइड पर दोनों फोन के, वो मैं चेक नहीं करूँगा, रियर पर चेक करते हैं। सो अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 30fps डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिलता है वो हमने ऑन किया हुआ है, लेकिन Realme GT ME में आप 60fps पर भी प्रो मोड एक स्टेबलाइजेशन का मिलता है, उसको ऑन कर सकते हैं। OIS मिलता है हमें A52s में और बाकी दोनों फ़ोन में EIS है। तो यहाँ पर फिलहाल ये वाला क्लिप जो है वो स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए हम बनाते हैं, तो यहाँ मैं भागता हूँ और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो स्टेबल प्रोवाइड करता है। और यहाँ कुछ हमें यही रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है और स्टेबलाइजेशन की, और उसके अलावा यहाँ पर फ्रेम्स और डायनामिक रेंज भी हम लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन बेटर काम करता है कौन सा नहीं। कलर यार नो डाउट यहाँ पर 11 Lite NE और A52s के भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और थोड़े बहुत फीके कलर हैं GT ME के। बहरहाल अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, सैचुरेटेड हैं 11 Lite NE के और A52s काफ़ी हद तक क्लोज टू नेचुरल लुक प्रोवाइड कर रहा है। बहरहाल डायनामिक रेंज तीनों ही फ़ोन्स की बहुत बेटर मिलती है, तो 1080p 60fps और 4K 30fps को भी चेक करते हैं, स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं 60fps में किस फोन में बेटर मिलती है। अब तीनों ही फोन्स के रियर कैमरा से 1080p 60fps पे रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन जो Realme GT ME है ना उसके अंदर आपको स्टेबलाइजेशन मोड 60fps में मिल जाता है। तो इसमें फ्रेम्स हम लोगों ने डिटेल में अंदाजा लेना और ये जो ग्रास का कलर है ना ये देखना है कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेटर इसको प्रोड्यूस कर पाता है। येलो कलर को मैंने भी मल्टी कलर्स पहने हैं ताकि हम लोग को अंदाज़ा हो सके ओवरऑल फ्रेम कैसे मिलते हैं। अभी सनलाइट जो है वो पीछे आ चुकी है और यहाँ पर हमने देखना है कि सनलाइट जो है वो डायनामिक रेंज के हिसाब से तीनों फोन्स एक्सपोजर को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। ऑल दो तीनों ही फोन सेम हार्डवेयर में आते हैं तो ये एक चीज़ ज़रूर चेक करने वाली होगी यहाँ पर कि कौन से फ़ोन कौन सी कंपनी ने इस हार्डवेयर को सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है। तो चलते हैं अपने
4K 30fps की तरफ। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 30fps पर तीनों ही फोन से, कोई डेडिकेटेड स्टेबल मोड नहीं है। लेकिन इसमें ना जस्ट मैं आप लोगों को एक अंदाजा देना चाहता हूँ कि जो फ्रेम्स होते हैं अमूमन जब हम लोग 4K 30fps यूज करते हैं हमें डिटेल ज्यादा चाहिए होती है, हम उसको स्लो मोशन में भी कर सकें ताकि हम लोग को जो है ना वो जो ग्राफिक्स हैं वो डिस्टॉर्ट होते हुए ना मिले। तो यहाँ कुछ ये रेजोल्यूशन है, फ्रेम्स कैसे मिल रहे हैं। ऑल्दो मैं इस वीडियो को भी कोशिश करूंगा कि 60fps और 4K वीडियो पर जो है ना वो रेंडर करूं ताकि 4K पर 4K आपको देखने को मिले अगर मेरे कंप्यूटर ने इजाजत दी। बहरहाल इस टाइम जो है हमें यही कुछ रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है, फोन मेरे ऑपोजिट्स हैं, मैं कोई भी आपको आइडिया नहीं दे पाऊंगा। फाइनल कंक्लूजन ही आपने मिस करना और आपने अपनी प्रेफरेंसेस भी देखनी है। और माइक्रोफोन की क्वालिटी इस टाइम जो है मैं A52S की यूज करूंगा और बाकी जहां जहां स्विच हो रही होगी ऊपर आपको माइक्रोफोन का आइकन जो है वो नजर आ रहा होगा, तो जिस फोन की हमने यूज करनी होगी ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि कौन से फोन का माइक्रोफोन भी बेटर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब रिकॉर्डिंग हो रही है तीनों फोन्स के वाइड एंगल कैमरा से। यहाँ अगर मेगापिक्सल देखा जाए तो A52S का वाइड एंगल का जो मेगापिक्सल है वो ज्यादा होगा, बाकी कंपैरेटिवली दोनों में 8-8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। फील्ड ऑफ व्यू भी आपको 123 डिग्री का देखने को मिलेगा हमारे A52S में, और वाइड एंगल में कितना स्टेबलाइजेशन है ये तो आपको अभी क्लिप में अंदाजा हो जाएगा, और इसी तरीके से स्किन टोन और कलर्स का भी अंदाजा हो जाएगा। और मुझे यही उम्मीद है, खैर स्क्रीन ऑपोजिट है, मैं वैसे गैस ही कर रहा हूँ कि A52S का जो वाइड एंगल होगा कंपैरेटिवली दोनों फोन से बेटर होगा, क्योंकि दोनों फोन में 119 डिग्री का जो फील्ड ऑफ व्यू है, दूसरा 8 मेगापिक्सल है, तो डिफरेंसेस मैटर करते हैं मेगापिक्सल के भी। और साथ के साथ वीडियोग्राफी वाइड एंगल में मिलती है तो व्लॉगिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो डे लाइट में स्पेशली, क्योंकि नाइट मोड में वाइड एंगल इतना जो है वो अच्छा काम नहीं करता। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ अपर्चर जो है वो F2.5 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको कौन से फ़ोन का वाइड एंगल बेटर लग रहा है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलते अपने अगले पार्ट की तरफ। दोस्तों ये थे वीडियो सैंपल्स और पिक्चर सैंपल्स। आई नो कि आप लोगों की अपनी प्रेफरेंसेस से आप लोगों ने आइडिया ले लिया होगा कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। मैं अपने कंक्लूजन की बात करूं तो वीडियोग्राफी में अगेन मुझे यहां पर A52S चाहे वो फ्रंट कैमरा हो चाहे वो बैक कैमरा हो बेटर मिला, क्योंकि फ्रंट कैमरा में भी जरा वाइड एंगल मिल रहा था, कलर रिप्रोडक्शन भी बेटर थी और साथ के साथ फोकस रखता है भाई चेहरे को। GTME थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेटेड लाइक आपको जो थोड़ा बहुत ना गुलाबी कलर जरूर प्रोवाइड करता है। प्रेफरेंसेस अपनी अपनी होती हैं, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको नेचुरल लुक प्रोवाइड आती है, वहीं पर जो है हमें जो हमारा 11 Lite NE है वो हमें जो है वो 20 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ थोड़ा सा क्रॉप सेंसर जो है प्रोवाइड कर रहा था। Xiaomi के फोन में सेटिंग में जाके कैमरा ऐप की आप इमेजिंग एक आती है इमेज स्टेबलाइजेशन,
उसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको स्टेबलाइजेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी। वाइड एंगल जरूर हो जाएगा, बट उसके लिए आपको हाथ को जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रखना पड़ेगा। उसी तरीके से रियर कैमरा के अंदर भी जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन A52S की ज्यादा बेटर मिली है। उसके बाद मुझे 11 Lite NE की जो स्टेबलाइजेशन, हालांकि EIS मिलती है, मुझे GTME से ज्यादा बेटर देखने को मिली है। दैट डजंट मीन कि GTME अच्छा नहीं है। अगर आप Realme के फैन है तो उसकी तरफ जरूर जा सकते हैं वीडियोग्राफी के हिसाब से। उसके अलावा जो 60 FPS पर GTME में स्टेबल मोड मिलता है वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन स्टेबल मोड के साथ साथ आपको क्रॉप सेंसर मिलता है, फ्रेम मुझे ठीक देखने को मिले। डायनामिक रेंज के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल करता है GTME, जो जब आप 60 FPS पर या 4K पे बनाते हैं तो आपको हल्की फुल्की जो है फ्लिकरिंग देखने को मिल जाती है। उसी तरीके से स्लो मोशंस की बात करते हैं तो GTME जो है वो 240 फ्रेम पर सेकंड 720p और 120 फ्रेम पर सेकंड आपको 1080p प्रोवाइड करता है। बाकी दोनों फोन जो है 960 फ्रेम पर सेकंड भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन 720p पिक्सल के साथ जो कि 10 सेकंड तक है। फ्रेम 960 फ्रेम पर सेकंड पर मुझे A52S के ज्यादा बेटर देखने को मिले हैं। उसके बाद मेरा Xiaomi 11 Lite NE और फिर GT Master Edition, क्योंकि 960 FPS नहीं मिलता। लेकिन अगर बात करते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरा पिक्चर्स की, यस, यहां पर तीनों ही फोन एक दूसरे को बहुत टक्कर देते हैं, काफी हद तक क्लोज टू नेचुरल, और जो शेडोज को बैलेंस करने वाला काम है ना वो A52S ज्यादा बेटर करता है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर जरूर देते हैं 11 Lite NE और GTME, बट GTME का जो कलर साइंस है ना वो टिपिकल एक रियलमी वाला साइंस है। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आपको देगा, लाइक आपने जैसे गाजर का जूस पिया होता है ना और सुर्खियां आ जाती हैं गालों पर, वो आपको GTME में देखने को मिल जाती हैं। और पोर्ट्रेट जो है तीनों फोन अच्छा कैप्चर कर लेते हैं, एजेस बहुत शार्प देखने को मिलते हैं, कलर रिप्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसा कि आप येलो जैकेट देख रहे हैं तो आपको GTME में हल्की फुल्की हल्दी कलर वाली देखने को मिल रही है, मतलब थोड़ा सा शार्प येलो देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से नेचुरल लुक जो है वो A52S ने प्रोवाइड की, थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कहूंगा या ओवर ब्राइटर इमेज कहूंगा जो कि हमें 11 Lite NE में देखने को मिला है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ रियर कैमरा की, तीनों ही फोन्स डायनामिक रेंज डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ अगर आप रियलमी के फोन को देखेंगे तो स्काई का कलर चेंज कर दिया है, उसी तरीके से जो हमारा NE है वो हमें थोड़ा सा ब्राइटर इमेज प्रोवाइड कर रहा है, और उसी तरीके से थोड़ा सा डल या आपको डार्क शेडो जो है वो A52S में देखने को मिल रहे हैं। रियर कैमरा के क्लोजअप शॉट्स की बात करते हैं तो A52S मुझे थोड़ा सा बेटर लगा क्लोजअप शॉट्स में। ऑल दो जो कलर साइंस है वो दोनों फोन्स की डिफरेंस है, 11 Lite NE की भी और GTME की भी, थोड़े बहुत सैचुरेटेड कलर प्रोवाइड कर रहा था, नेचुरल था हमारा A52S। इसी तरीके से पोर्ट्रेट शॉट्स में भी मुझे जो है वो A52S ने नेचुरल लुक प्रोवाइड की। ऑल दो जो ब्लर है वो GTME में थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, लाइक कलर्स बिल्कुल आपको चेंज देखने को मिलते हैं। देन अगेन प्रेफरेंसेस यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। कुछ लोग होते हैं जिनको भाई जो है वो सैचुरेटेड कलर पसंद आते हैं, थोड़ा सा विविड कलर पसंद आता है, वो GTME की तरफ जाएंगे, लेकिन जिसको नेचुरल लुक पसंद आती है वो दोनों फोन में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं NE में और A52S में। NE जो है वो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज इमेज जरूर प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर मेक्रो शॉट्स की, तो क्लियरली यहाँ पर हमारा जो 11 Lite NE है वो इन दोनों फोन से बेटर होगा, क्योंकि 5 MP का डेडिकेटेड मेक्रो सेंसर मिलता है जो कि डिटेल भी अच्छी कैप्चर करेगा और काफी हद तक आप क्लोज आ सकते हो ऑब्जेक्ट के, जो कि मुझे एक बहुत बड़ा जो है वो एक अच्छा इंप्लीमेंट लगा इस प्राइस सेगमेंट में देखा जाए। और इस सेंसर से नॉर्मली आप वीडियोज भी अगर रिकॉर्ड करना चाहो तो वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट के करीब से, मेक्रो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि मुझे ज्यादा बेटर लगी हमारे 11 Lite NE में। नाइट मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर NE और GTME जो है वो ज्यादा बेटर लगे मुझे कंपैरेटिवली सैमसंग A52S, चाहे वो रियर कैमरा हो चाहे फ्रंट कैमरा हो। तो ऑल ओवर अगर बैलेंस कैमरा कंपैरिजन की बात करते हैं, नेचुरल लुक विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आज का विनर है A52S। लेकिन अगर मैं सेकंड नंबर पे रखना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर 11 Lite NE को रखना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो EIS है मुझे बहुत ऑप्टिमाइज लगा, और उसके साथ साथ फ्रंट साइड पर 1080p 60 FPS के वीडियोस भी रिकॉर्ड करता है, और साथ के साथ आपको जो है GTME में थोड़ा बहुत सैचुरेशन देखने को मिल जाती है। बट अगेन ये मेरे नंबर्स हैं, एज अ टेकी पर्सन मेरी प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको इन तीनों में से कौन सा फोन बेटर लगा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई स्मार्टफोन ऑफ द ईयर जो है वो कितना दूसरे ब्रांड्स को टक्कर दे पाता है कितना नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर ओपिनियन। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई कंपैरिजन, किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं अली बात मास्टर से पाकिस्तान पैंदाबाद, अल्लाह हाफिज।